सर्वशील ममं शीलं सर्वपावने मम पावनं सर्वकर्तवे ममं कर्ता नानक लेप छेपना लिपियते हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ माया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधवे सन्मानयोग गुरु रूप सत्संग जीओ गुरबाणी विचार आप जी दे समक्ष भेट करा पेशतर गुरुदेव दी सनिमर फतेह प्रवान करनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपसी विचार हुई सी सेठी साहब उन्हां नाल कि कोई लड़ी वार विचार गुरबाणी दी क्योंकि लड़ीवार लंबियां वड़ियां बाणियां दियां करीबन करीबन दास दियां टेपां बनिया हुई ने गाथा है संस्कृति सलोक है फोने छंद ने कबीर दे सलोक ने फरीद दे सलोक ने और इस तो इलावा संस्कृति सलोक ने तो एक दिमाग मेरा बनया भी मूल मंत्र और फिर संजोग बनया जब जी साहब एक तो चुंके दास ने जब जी साहब की विचार स्टूडियो दे सिर्फ 28 मिनट की बंदिश आती है और 28 मिनटां च एक पौड़ी पूरी करनी आती है। संगत दे चुंके इस तरह की गल नहीं है इस वास्ते खुले रूप विच कुछ गल कही जा सकती है खुले विचार पेश किए जा सकते हैं तो मूल बुनियाद ऐसे भी कुछ महापुरुषों के मंत्र आते हैं। मंत्र कहते ने बोल नो पंजाबी च असी कहने वाक बोलना संस्कृत देश कहते ने मंत्र फलाने का मंत्र है मंत्र के अखरी अर्थ ही ने फलाने का बोल है होर मंत्र के अर्थ नहीं ने कुछ। गुरु मंत्र गुरु दा बोल गुरु दा वाक गुरु दी आवाज अर्थ यही बनते ने मंत्र दे। चूंकि भारत दी प्राचीन भाषा ते पुराने सारे धर्म ग्रंथां दी भाषा संस्कृत रही है ते संस्कृत दे च बोल नूं कहिंदे ने मंत्र फलाने दे मंत्र ने भाव फलाने दे बोल ने। मनुख करीबन करीबन 90% अपने बोलों राही प्रगट आता है 10% बाकी व्यवहार नाल। तुसी किसे दी अखां वेख के कन वेख के नक वेख के हाथ पैर वेख के कुछ अंदाजा नहीं ला सकते कि ये की है ये मनुख की है किस तरह अंदाजा लाओगे। मनुख नू नापन ते तोलन दा ढंग है उसकी गुफ्तगु उसके बोल। कुछ धार्मिक विद्वान तो ऐसा कहने 99% मनुख अपने बोलों राही प्रगट आता है लेकिन बहुगिणती दे विचारक कहने 90% मनुख अपने बोलों राही प्रगट होता है बाकी 10% उदे नैन वेख के उदा मथा वेख के उदा चेहरा वेख के अंदाजे लगते हैं वह हर मनुख ला नहीं सकता अंदाजा।
लेकिन बोल अगर उसे दी भाषा दे जो स्रोता समझदा है जानदा है आख्या जाए तो मनुख 90% अपने बोलां राही प्रगट आउंदा है, या इंज कह लईए 99% प्रगट आउंदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ते कथन अनुसार परमात्मा 100% शब्द राही प्रगट आउंदा है, बोल राही प्रगट आउंदा है, उंज नहीं कुछ नहीं पता चलेगा वो की है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। ईश्वर वेखण दा विशा नहीं, ईश्वर सूंघण दा विशा नहीं, और ईश्वर स्पर्श करण दा विशा नहीं। इसनु गुरु नानक देव जी कहिंदे ने सिर्फ सुनना, ते सुन के ही पता चलेगा वो की है। तो किस तो सुनिए ते की सुनिए, उसे दे बोल सुनिए, परमात्मा दे बोल सुनिए। तो परमात्मा दे बोल की ने, असी अवतारी पुरुष पैगंबरी पुरुष उन्हां नूं आख्या है जिन्हां ने ऐलानिया किया असी जो कुछ कह रहे हैं ये बोल साडे नहीं ने, प्रभु दे ने, परमात्मा दे ने, असी सुने ने, सानू प्रभु ने सुनाए ने, और इस वास्ते सुनाए ने जगत नू सुनाओ। जैसे कलगीधर पिता कहिंदे ने जो निज प्रभु मो सो कहा सो कहो जग माए, जो कुछ मैनू प्रभु ने कहा जगत नू कह रहे हैं, मेरे अपने बोल नहीं ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते इत्थे तक फरमान कर देना हो आपो बोल ना जानदा, कहा सब हुक्म आओ जियो, मैनू ते बोलना आमदा ही नहीं, मैं ते कह ही नहीं सकता। भाव सतगुरु ये कह रहे ने मैं वध तो वध बोलांगा, अपने आप नू प्रगट करांगा, अपने बोलां दे राही अपने स्वभाव नू प्रगट करांगा। पर स्वभाव परमात्मा की है, परमात्मा प्रगट हो सकता है परमात्मा दे बोलां राही, ईश्वर प्रगट हो सकता है अपने बोलां राही। इसका मतलब रब बोलदा है। पातशाह दी वाणी कहती है ठाकर हमरा सद बोलंदा, सद तो मुराद हर वक्त बोल रहे है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी नू किधरे कवि की कल्पना न समझ लेना, बस इतनी गल है, समझिया ये कल्पना मात्र कुछ नहीं पल्ले पेगा, जिंदगी च कोई तब्दीली नहीं आनी। इस वास्ते कहिंदे ने जद परम पुरख का कलाम सुनना है तो अंदर भाव इतना होवे सत बचन, भाव ये बोल सच है तो सच मनन लई है, सच कबूल करन लई है। महाराज कहिंदे ने मैनू बोलना ही नहीं आउंदा, हां आपो बोल ना जानदा, पर तुसी इतना बोले इतना आख्या एक ही है। जब तुसी कहंदे मैनू बोलना नहीं आउंदा, हां आपो बोल ना जानदा, आपा मैं ऐसे बोल नहीं जानदा जिहदे च मेरा आपा प्रगट होवे, मेरे कोल ऐसे बोल नहीं ने, जो कुछ आख्या बोल ही मेरे नहीं ने। ओ कहा सब हुक्म आओ जियो, जैसे मैं आवे खसम की वाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, जैसे मनुख प्रगट है अपने बोल राही, बोलत ही पहचानी है साध असाध को थाट, अंतर की करनी सवे निकसे मुख की बाट। दसवीं दिन किसे दी संगत करो उदी गुफ्तगु उदे बोल चाल देच वो सारे दा सारा प्रगट हो जाएगा, नहीं छुप के रह सकता। पक्की गल दसा उदी अखां नूं वेख के कुछ नहीं पता चलेगा की है, उदा नक वेख के कुछ नहीं पता चलेगा की है, उदा मूंह मत्था वेख के कुछ नहीं पता चलेगा की है। वध तो वध इतने अंदाजे लग सकते ने कि चेहरा खूबसूरत है बदसूरत है दरम्यान है, बस इन्ना कह देंगे और की है। चेहरा प्रभावशाली है आकर्षण रखता है, इस तरह दियां कुछ गल्लां कर रहे हैं।
अगर इस हिसाब नाल भी चेहरा करूप है तो वाकई ये मनुख ठीक नहीं होवेगा, तो दुनिया के बेहतर संत महापुरश उन्होंने धार्मिक दुनिया चो एक पासे करना पेगा। भारत का प्राचीन संत ऋषि वेद व्यास जिन्हें चार वेद लिखे, छे शास्त्रां दे चों वेदांत शास्त्र का रचयिता व्यास है, भविष्य पुराण लिखिया, गीता लिखी, महाभारत लिखिया, और पंजाब का वगदा होया दरिया एक इसे ऋषि के नाम ते है व्यास, इसे दे कंडे बैठ के इसने लिखे। उस जमाने का सब तो करूप बंदा, उस जमाने का अगर इस दे चेहरे तो अंदाजा लगाइए तो कुछ भी नहीं, पर ये बोलां नूं सुनिए तो बड़ी गल, बड़ी गल हैरानगी होंदी है। इस करूप तन दे चों, इस करूप मूह मथे दे चों इतना स्वप्न निकलिया, इतनी सुंदरता निकली है, इतना जमाल निकलिया, इतना कमाल निकलिया। कहिंदे ने जनक दा गुरु अष्टावकर अपने जमाने दा सब तो करूप बंदा। अगर बारों ही अंदाजा लैना है तो कह सकते हैं तो कुछ भी नहीं। हाँ बच्चे अंदाजा ला सकते हैं, कहिंदे ने अष्टावकर बाहर निकलता सी बच्चे पत्थर मारदे सन, उस बच्चे पागल पागल करके कहिंदे सन, लत्तां टेढ़ियां, बाहां टेढ़ियां, गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी, हर अंग टेढ़ा, अष्टवक्र अठां थावां तो टेढ़ा सी। यकीन जानो मनुख ना अपनी नक राही प्रगट आउंदा है, ना अपने अखां राही प्रगट आउंदा है, ना अपनी नेत्रां राही प्रगट आउंदा है, ना हथ पैरां राही। मनुख दा अंतिशकरण प्रगट आउंदा है उसदे बोलां तो, बोलत ही पहचानी है, साध असाध को थात। इन्हां बोलां विच दुख है, इन्हां बोलां विच प्रसन्नता है, इन्हां बोलां विच मूर्खता है, इन्हां बोलां विच ज्ञान है, इन्हां बोलां विच नफरत है, इन्हां बोलां विच प्रेम है, इस बोल विच वितकरा है, इस बोल विच समदृष्टि है। बोल बहुत कुछ दसते हैं, बोलों तो बहुत कुछ पता चलता है। मनुख 99% सहमता में प्राचीन सनातनी ऋषियों नाल के 99% मनुख अपने बोलों राही प्रगट है। अज दे आचार्य कहिंदे ने घट तो घट 90% मनुख अपने बोलों राही प्रगट आउंदा है, 10% बाकी अंदाजा कोई सियाने ला सकदे ने, कोई विरले। नेत्र वेख के, इस दे मस्तक दे हाव भाव वेख के, पर ये हर बंदे दी खेड नहीं आउंदी। जैसे हर मनुख साइंटिस्ट नहीं आउंदा ते पदार्थ दे गहरे तल दे च नहीं जांदा, हर मनुख कोई संगीतकार भी नहीं है कि सुरां दी गहराई चला जाए, हर मनुख चित्रकार भी नहीं आउंदा कि रंगां दी बारीकी नूं समझ जाए। यकीन जानो एक दरख्त सानू हरा दिखाई देंदा है, पर एक चित्रकार नूं उसे एक दरख्त दे च पता नहीं कितने रंग दिखाई दे रहे हैं। उंज मैनू नहीं पता चलना सी, एक कवि है अक्सर दास दे नाल इंडिया दे च भ्रमण करदा है, कवि रोशन करके, प्यारा सिंह रोशन, पर चित्रकार भी बड़ा गजब दा है। गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोबिंद सिंह जी दियां, होर धार्मिक अस्थाना दियां बड़ियां सोहणियां सोहणियां तस्वीरां बनाईयां ने। एक दिन शौकिया तौर ते किधर मेरी तस्वीर बना के लिया, मैं कि तू ते बड़ा बाकमाल आर्टिस्ट है। अलवर दे पहाड़ दे कोल एक दरख्त उसनू पसंद आ गया, कहिंदा मैं इहदी तस्वीर बनानी है। ते मैं कहा ठीक है बना। कहिंदा इत्थों रंग मिल जाण के, मैं रंग नहीं ले आया अमृतसर तो। मैं कहा रंग तैनू ले देने, हरा रंग तैनू चाहिदा होना। कहिंदा नहीं गया नहीं जी, 10-15 रंग चाहिए ने। मैं कहा दरख्त हरा है, दरख्त की तस्वीर बनानी है ना, तो दरख्त का चित्र बनाना। कहिंदा नहीं, दरख्त दे सैकड़े रंग ने, सैकड़े रंग ने। मैं हैरान होया, दरख्त दे सैकड़े रंग, सारे पत्ते हरे ने,
ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਹਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜਿਤਨਾ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਸੇਗਾ ਦਰਖਤ ਹਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਗਹਿਰਾ ਹਰਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਫਿੱਕਾ ਹਰਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਦੀ ਮਾਇਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਖਤ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਗਲਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ 99%, ਅੱਜ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਚਾਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 90% ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਠਾਕੁਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲਨ ਥਾ, ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਵੇਖਣਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੰਦਰ ਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵੇਖਣਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗੇ, ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਆਪਕ ਨੇ, ਅਗਰ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਬੋਲ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਰੋਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗਤ ਕਦ ਬੁੱਤ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਕ ਤੇ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਮਨੁੱਖ ਥੱਕਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਹੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜਗਤ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲਿਖਤ ਦੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਜਗਤ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਗਤ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ 'ਚ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਸਨ ਦੇਵਤੇ, ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਸੀ, ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨੀਆਂ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਹੱਟ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰੋਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ।
एक दिन शिव जी ने साफ कह दिता सी, ये सारे स्रोते ही तेने आए ने थानू सुनन लई। कहन नहीं, कोई भी स्रोता नहीं है, सब दी अपनी अपनी कामना है, सब दी अपनी अपनी वासना है। हर मनुख अपनी कामना नू सुन रहा है, हर मनुख अपनी वासना नू सुन रहा है, हर मनुख अपनी समस्या च उलझे होया है। मैनू स्रोते चाहिए ने, और स्रोते तुसी दो, शिव जी ते विष्णु। एक शिव पुराण की कथा है, तुसी दो ते दोहां नू सुनाना मैं मुनासिब नहीं समझदा, क्योंकि जो मैं सुनाना है तुसी जान दे, फिजूल वकत जाया करना। जो कुछ मैं कहना है वो थोड़ी लोड़ नहीं, ते जिन्हां दी लोड़ है वो लोड़ लेके आए नहीं। ब्रह्मे दे बोल, मैं जो कुछ बोलना है ऐ शिव जी, ये थोड़ी लोड़ नहीं है, क्योंकि जो कुछ मैं कहना है वो थोड़े कोल है, जो कुछ मैं कहना है वो विष्णु कोल है। मैं आनंद की गल करनी है, प्रेम की गल करनी है, थोड़े कोल है। मैं बैराग की गल करनी है, त्याग की गल करनी है, थोड़े कोल है। मैं सबर की गल करनी है, संतोख की गल करनी है, थोड़े कोल है। मैं शुद्ध हिरदे की गल करनी है, ज्ञान की गल करनी है, थोड़े कोल है। एवें मैं खपा फिजूल वकत जाया करना, स्रोते कोई नहीं। कहिंदन सैकड़ां दा इकट्ठ सी, ब्रह्मे ने जिद कीती नहीं, स्रोते आउणगे सुणावांगा। तो गाथा है, देवतियां दी कथा करदा सी, भाव ज्ञानियां दी कथा करदा सी, जो ज्ञान नूं सुन सकदे सन, प्रेम नूं सुन सकदे सन। इतनी ताब सी उनां विच, इतनी हिम्मत सी उनां विच। इन्हां सारियां स्रोतियां च एक दिन ब्रह्मा कहिंदा है, मैं वो कुछ लिखना चाहना कि सब कुछ मेरी लेखनी च आ जाए, मैं वो कुछ कहना चाहना कि सब कुछ मेरे कहने च आ जाए, मेरे कहने तो बाहर कुछ भी ना होवे, मेरी लेखनी तो बाहर कुछ भी ना होवे। विष्णु ने कहा, ले मैं तेनू आसीस देना कि तेनू सफलता मिले, मैं तेनू आसीस देना। शिव जी हाथ जोड़ के कहन लगे, ब्रह्मा चलो पता चल जाएगा कि अकल थोड़ी कितनी विस्तार धारण कर सकती है, कितना कुछ थोड़ी अकल दे चा सकता है, ये भांडा किन्ना क वड्डा है, थोड़ी बुद्धि दा ये भांडा किन्ना क वड्डा है। ये सब कुछ आ जाएगा, जिस दिन आवेगा मैं उस दिन आशीर्वाद थानू देंगा, अज नहीं। शिवजी इंज कहिंदा, जिस दिन ये सब कुछ थोड़े अकल दे भांडे दे चा आ जाएगा, मैं उस दिन थानू आसीस देंगा। विष्णु कहिंदा, मेरा आशीर्वाद तू अपने काम दे सफल होवे। बुढ़ा हो गया, खोज करदिया करदिया बिरद हो गया, अखां जवाब देन लग पईआं, काफी बुजुर्ग होया। ते इन्हां अखां च एक दिन देवतियां दे च बैठा कथा सुनानी है, ते पता की आखिया इसने, अज मैं जबान नाल नहीं बोलना। ते रो पिया, अखां सजल हो गईयां, फिर जारो जार रो पिया। स्रोतियां च विष्णु भी बैठा है, शिवजी भी बैठा है। ते विष्णु कहिंदे ना, अज ते तुसी आखरी गल करनी सी, अज ते कथा दी समाप्ति सी, अज ते गल मुकम्मल करनी सी। पता है जबान चो की निकलिया, नेती नेती, जो कुछ भी मैं कहा है ये नहीं है, नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये आखरी बोल ने ब्रह्मे दे, इस नाल ही वेद समाप्त होए। नेती नेती,
जो कुछ मैं खोजे ये सब कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है, और सब कुछ मेरे अकल दे भांड च नहीं आ सकता। नेति नेति धार्मिक जगत दे च ये शब्द बड़े प्रचलित हो गए, नेति नहीं है, ये भी नहीं, जो कुछ मैं कह ये भी मुकम्मल नहीं, ये भी मुकम्मल नहीं, ये भी मुकम्मल नहीं, मेरे बोल अधूरे, मेरे बोल अधूरे। ते पता है शिव जी ने की आख्या, जिस दिन किसी नूं ऐसा महसूस होंदा है मैं अधूरा कुछ भी करा, उसे दिन उसके अंदर पूर्णता प्रगट होंदी है, उस तो पहले होंदी भी नहीं। उसे दिन बूंद सागर बनती है, उस तो पहले होंदी ही नहीं। और जब सागर हो जाती है तो फिर उसनूं कहण दी लोड़ भी नहीं पैंदी, मैं सागर हाँ, मैं सागर हाँ, मैं सागर हाँ। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, दुनिया भर दे इस तरह दे दार्शनिक चिंतक विचारक अवतारी पुरुष इन्हां दा कहना है 99% मनुख अपने बोलां राही प्रगट होंदा है। कृष्ण की ने ये गीता पढ़नी पएगी, राम की ने रामायण तो पता चलेगा, उपनिषदां दे ऋषि की ने ये उपनिषदां नूं पढ़न तो पता चलेगा। और मैं हैरान होया किसी भी उपनिषद ते लिखारी दा नाम नहीं है, काठो उपनिषद, मारकंडा उपनिषद, इस तरह दियां 8-10 उपनिषदां दास ने देखिया, मैं हैरान भी आखिर लिखिया किसने, ये उपनिषदां किस दियां ने, कुछ भी नहीं लिखिया। 108 उपनिषदां ने तो कम से कम 108 बंदियां दे नाम होने चाहिए ने, 108 ऋषियां दे नाम होने चाहिए ने, नहीं ने। आखिरी शब्दां दे च उपनिषद दी आखिर दे च कहिंदे ने ऐसे खो गए, ऐसे मिट गए, अपना नाम भी चेते नहीं रहा, नहीं ख्याल आया। भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहिंदे ने मेरे छुपे रहण दी चा, हुण ते छुप जाइए ओही प्रगट होवे, खत्म हो जाइए। भगत भीखन जी कहिंदे ने अनक जतन कर हिरदे राख्या, रतन न छपे छपाया, छुपाने दी कोशिश कीती है पर मैं ते चलो अपने आप नूं छुपाने दी कोशिश कीती है, पर जिस नूं छुपाने दी कोशिश कीती उते प्रगट हो गया, जिस नूं छुपाने दी कोशिश कीती है कित्थों प्रगट होया, बोलां तो परमात्मा बोलां राही प्रगट होंदा है। ठाकुर हमरा सद बोलंता, ठाकुर सद बोल रहा है ते ए बोल जिस दी पकड़ दे चा जान असी उसनू कहने आ ब्रह्म ज्ञानी अवतार। मोहम्मद साहब ने कह दिता सी कुरान खुदा दे बोल ने, नाजल होईयां ने, मेरे बोल नहीं ने। इन्हां दी पत्नी खदीजा उसने ही कह दिता हां मैं ऐलानियां कह सकदी हां थोड़े बोल नहीं ने क्योंकि तुसी अनपढ़ हो, तुसी कवि नहीं हो, शायर नहीं हो, तुसी अल्फाजा नूं इस ढंग की तरतीब नहीं दे सकते जिहड़ी दित्ती है तुसी। और पहली दफा जो कुछ मैं सुन रही हाँ ये मैं दावे नाल कहनी हाँ ये बोल थोड़े नहीं ने, ये तुसी नहीं बोल सकते। और उत्थे ही मोहम्मद साहब कहिंदे ने मैं कित्थे बोल सकदा, खुदा बोल रहा है, ये नाजल हो रहा है, खुदा दे बोल ने, मेरे नहीं ने। कहिंदे ने इस्लामी जगत दे च मुसलमाना दी गिणती खदीजा तो आउंदी है, पहली मुसलमान है, इस तों बाद इस्लाम फैलिया। सिख जगत दे विचारक भी ऐसा कहिंदे ने पहला सिख बेबे नानकी, इस्त्री दे अंदर भावना बड़ी प्रबल आउंदी, भरोसा बहुत छेती करदी है, सुभावक। पुरुष दे अंदर तर्क बड़ा प्रधान होंदा है, एक दफा परमात्मा भी साक्षात किधरे प्रगट होवे ते किंतु परंतु उस नाल भी करेगा, इसने करना है, इसकी अकल ऐसी है। मनुख तर्क करता है, पुरुष तर्क करता है, भावना दे पिछे तर्क चलती है, स्त्री दे
पुरुष तर्क दे पिछे भावना चलती, पहले तर्क, पहले खंडन मंडन। जब दोवें बराबर होन, तर्क ते भाव, अकल चाहिए उन्हों समझन लई, हिरदा चाहिए उस नाल जुड़न लई। जिस दिन समतल आते ने कहते उस दिन ही असलियत ते सच्चाई मनुख दे अंदरों प्रगट आती है। उस दिन इस्त्री पुरुष का भेद भी मिट जाता है। यह भी मैं अर्ज कर दिया, यह भेद मिट जाता है, क्योंकि भाव ते ज्ञान, प्रेम ते ज्ञान दोवें बराबर हो जाते हैं, समतल। इसे नूं कहिंदे ने स्त्री पुरुष एक हो गए। और जिस दिन अंदरूनी तौर पर एक हो गए, भाव ते ज्ञान एक हो गया, बाहर भी सब एक दिखाई देता, दोनों ही दिखाई देते। अगर स्त्री स्त्री दिखाई दे रही है, पुरुष पुरुष दिखाई दे रहे हैं, तो गुरबाणी भी कहती है, धार्मिक इतिहास भी कहता है, ना एक नाल जुड़े है, ना एक नूं समझे है, ना एक नूं इसने जाने है। ते मैं इतनी भी अर्ज करा, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी मूल मंत्र एक तो आरंभ आता है, तो जिसनों एक दिखाई देता है तो फिर एक ही दिखाई देना चाहिए। मीरा नचती हुई द्वारकाधीश के मंदिर से चली गई। इस मंदिर इस्त्री के प्रवेश की ममानियत सी, बई इस्त्री नहीं जा सकती, बंदिश सी। उन ते यहूदिया के मंदिर इस्त्रियां नहीं जा सकदियां। इस्लाम देच भी पुरुषां दी कतार देच नमाज इस्त्रियां नहीं पढ़ सकदियां। जैन धर्म भी कहिंदा है इस्त्री चोले च मुक्ति भी नहीं है। अगर इस्त्री साधना करे, जप तप करे, इनू अगला जन्म पुरुष दा मिलेगा, फिर जप तप करे, साधना करे, फिर मुक्ति मिलेगी। उंज नहीं, इस चोले च नहीं, इस काया देच नहीं। इसनों हिंदुस्तान दे बाकी अवतारी पुरुषां ने नहीं मनिया। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने भी नहीं मनिया। खैर, मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, एक मंदिर दे च प्रवेश बंद सी इस्त्री लई। पर जिस ढंग नाल एक गीत गांदी हुई प्रवेश कर रही सी, लोकां दी हिम्मत ना पई उन्हों रोकण दी। एक प्रभाव आंदा है भजन दा, सच्चाई दा, बैराग दा, प्रेम दा, एक अपना प्रभाव होंदा है। और कई दफा यह हड़ दी तरह होवे तो देखण वाले भी उस हड़ दे च बह जांदे ने, किसे नूं रोकण दी हिम्मत नहीं पई भी रोकी है। गीत गांदी अंदर चली गई, पुजारी दे हथ दे च थाल सी आरती उतारण लई, गिर गया। इस्त्री आ गई, एक इस्त्री आ गई, अछूत आ गई, शूदर आ गई, मंदिर भ्रष्ट कर देता। मीरा ने दो बोली सिर्फ कहने, पुजारी अजय इस्त्री इस्त्री दिखाई देती है, पुरुष पुरुष दिखाई देता है, एक कदों दिखाई देगा। ये मीरा दे बोल, अजय भेदभाव है, कदों तक ये आरती उतारदा रहेगा, कदों तक इस कर्म कांड दे फसिया रहेगा। एक नहीं, अजे भी एक दा बोध नहीं, अजे भी एक दी खबर नहीं। तो खैर, इसनों विस्तार सहित बयान करन तो पहले मैं इतनी अर्ज कर दिया कि परमात्मा भी 100% अपने बोलां राही प्रगट है। केड़े बोल? जो अवतारां दी पकड़ दे चाहे, भरोसा उत्थे करना पएगा। मुहम्मद कहिंदे ने बोल मेरे नहीं ने, खुदा दे ने, नाजल होए ने। गुरु नानक कहिंदे ने बोल मेरे नहीं ने, मैनूं बोलना आउंदा ही नहीं, हों आपों बोल न जानदा, हों कहा सब हुक्म आओ जियो। इते खसम दे बोल ने, जैसे में आवे खसम की वाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। ये बोल जिन्हां दी पकड़ दे च आ जांदे ने, जो सुन लैंदे ने, बस उसनों अवतार कहिंदे आ। एक 5 साल दा बच्चा है और उसदे सामने किधरे 2 नौजवान 25-30 साल दे गुफ्तगू कर रहे ने, गलबात कर रहे ने,
ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ, ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ, ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਦੇਖਣ ਮਾਤਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਗਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਵਸ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠਾਕੁਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲਨਤਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਸ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਜੁੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣੀ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਦ ਸੁਣਦਾ ਬਾਣੀ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਦੋ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਭਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਖਾਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਚਾਰ ਬੁੱਢੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਬਖਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਰ ਜਵਾਨ ਕੀ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਕਲ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ, ਇਹ ਅਕਲ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਅਕਲ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਮੌਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਮੌਤ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਖਟਖਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਸੁਣਦੇ ਉਸਨੂੰ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਆਲਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੰਗੇ ਮਜ਼ਾਰ ਪਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਵਾਂ, ਮਰ ਕਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਨਾ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੋਲ, ਜਨਮ ਦੇ ਬੋਲ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਕਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਲਦੀਅਤ ਲਿਖੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਲਿਖੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਧਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ 'ਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਟਹਿਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਦਰ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ, 2-3 ਚੱਕਰ ਲਾਏ, ਮੀਲ 2 ਮੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਬਰਾਂ ਹੀ ਕਬਰਾਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਪਮਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਦੇ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਲਦੀਅਤ,
उस दा जन्म फिर उसकी महिमा पता नहीं उस दे च गुण कोई सन के नहीं उसके गुण भी लिखे हुए हैं। मैं देखदा एक पिंड दे च एक बंदे नू सारे ही भंडते हैं पर जिस दिन मर जाए फिर सारे ही उपमा कर देना हैरानगी हो जाती है। मुरदे च खूबियां दिखाई देन लग पैंदियां ने जीवदे जागदे च नहीं। ये आलम कहिंदा है संगे मजार पर भी तेरा नाम है रवा मर कर भी उम्मीद जिंदगानी न गई मर के भी तू नहीं मरिया तेरी वल्दियत लिखी है तेरी जात पात लिखी है तेरी गोत लिखी है तेरे गुण लिखे हैं तेरी सिफत तो सलाह लिखी हुई है तेरा जन्म का ठिकाणा लिखे हुआ हैरानगी की गल मर के भी तू नहीं मरिया। पर जे किसी बच्चे नो मौत दिखाई दे जाए तो यह बच्चा ब्रह्म ज्ञानी है यह बच्चा संत है। बच्चे नो ते जवानी भी नहीं दिखाई दे सकती ते जवान दे बोल भी नहीं सुन सकता मौत दे बोल सुन ले इसने मौत नो सुन ले बड़ी वड्डी गल है। कदी कदाई कोई ध्रुव कोई प्रहलाद कदी कदाई कोई बाबा बुढ़ा कदी कदाई कोई धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे मासूम सहजा साहबजादे ते कदी कदाई वक्त दा एक अवतारी पुरुष धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज। कमाल दी गल उम्र ते कुछ भी नहीं साढ़े पांच साल दी उम्र ए अगे दी गल सुनदे ने अगली किच खबर ना पाई। महाराज कहिंदे अगे दी किस नूं समझ किसे नूं भी नहीं घर दे च कोई मर भी गया तो मौत की किसे नूं समझ है अगले किच खबर ना पाई कुछ भी नहीं समझ। मौत दा प्रत्यक्ष सबूत भी सामने मौजूद होवे तां भी मनुख कबूल नहीं करदा ए मरे है मैं थोड़ी मरना है। पर कबीर कहिंदे ने पाड़ो सी के जो हुआ तू अपने भी जान जो पड़ोसी दे घर होया तेरे घर भी होने वाला और तेरे नाल होने वाला है। पाड़ो सी के जो हुआ तू अपने भी जान पर मौत अगे है हुण अगे दिखाई देवे वैसे ते कुदरत ने अखां ते अगे बनाईयां ने पिछे नहीं लाईयां अगे देख और अकल भी इस वास्ते दित्ती अगे दी सोच लंघ गया पिछला हाथ दे च ही नहीं अगे दी सोच। पर अगली किछ खबर ना पाई रोवन हार भी उठ सिधाई। तो मैं फिर अर्ज करां एक बच्चा जवान नूं नहीं सुन सकता और गुरु अंगद देव जी ने तो इस संबंध में दो सलोक लिखे ने बड़े कीमती नाल इयाने दोस्ती वड्डा रोस्यों ने हो पानी अंदर लीक जो तिसदा थाओ न थे हो नाल इयाने अपने तो छोटे अपने तो वड्डे नाल दोस्ती नहीं हो सकती। हाँ ममता का संबंध हो सकता है प्यार का संबंध हो सकता है मोह का संबंध हो सकता है दादे ते पोतरे का प्यो ते पुत्र का दादी ते पोतरी का दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती लई समतल चाहिदा है विचार वटांदरा चाहिदा है विचार वटांदरा। राधा स्वामी एक तर्क पेश करदे ने जिस नाल असी विचार वटांदरा ना कर सकीए उसनू गुरु किस तरह मन लईए तो देही चाहिदी है उहनां दी इक तर्क इस तर्क नूं पेश करदे ने पंजाब विच बहुत सारियां नूं उन्होंने हथिया लिया थां थां ते मैनूं जवाब देना पिया जिस दे नाल विचार वटांदरा कीता जाए उह ते बराबरी दा है उह कोई वड्डा थोड़ी है उह ते कुछ भी नहीं उहनूं गुरु मनण की की लोड़ है उहनूं मत्था टेकण की की लोड़ है। जिस दे विचार सुन के असी महान हो सकीए विचार वटांदरा ते कि उहदे विचार मैं सुने मेरे विचार उसने सुने मेरे विचारां तो वह प्रभावित होवे उहदे विचारां तो मैं प्रभावित होवां मेरे विचारां नूं वह कबूल करे उहदे विचारां नूं मैं कबूल करां विचार वटांदरा। गुरु नाल विचार वटांदरा नहीं गुरु दे विचारां नूं सुनना वटांदरा नहीं करना तूं अपना कुछ भी नहीं सुनाना तू सुनना है तू सुनना है। अगर जे तूं किधरे एक गल गुरु दी सुन लवें बिना बोलिया ही तेरिया सारिया सुन लेगा उहदे च इतनी समर्था है उसदे च इतनी महानता है तू किधरे सुनते लवें मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी। गुरु की मूल गल
ਇੱਕ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਸੂਝ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਗੱਲ, ਜਵਾਨ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਖਿੱਚੀ ਇੱਧਰ ਮਿਟ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ।